हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेसबुक गुरु। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब भी आप अपने फेसबुक पेज पर या फेसबुक प्रोफाइल पर विजिट करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देख सकते हैं, मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पर जब भी आपने कोई पोस्ट किया है, फोटो डाला है या वीडियो डाला है, चाहे प्रोफाइल हो या दोस्तों आपका पेज हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जब भी आप वीडियो अपने देखते हैं या जो है फोटो देखते हैं तो उसके नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं इनसाइट एंड एड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और राइट साइड में आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियोज पे यही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सी इनसाइट एंड एड्स का ऑप्शन। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये ऑप्शन क्या है, आप इसका यूज क्या कर सकते हो। और कुछ पोस्ट में आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा बूस्ट अनअवेलेबल, तो इस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं क्या है, तो चलिए कन्फर्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो हमारा चैनल फेसबुक गुरु नाम से, इस पे जो सारी वीडियोज आपको फेसबुक से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, इसमें काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज को आप लोगों को कवर किया गया है। आप लोग देख सकते हैं 5K फॉलोअर्स एंड 60 वॉच टाइम आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। सारा कुछ मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताया है और सब कुछ जो है सारे वीडियोज आपको फेसबुक से रिलेटेड मिलेंगे। तो एक बार चैनल पर आप विजिट करिए, आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं लाइव प्रूफ, ये जो ऑप्शन क्या है, इसका आप यूज क्या कर सकते हो। तो फाइनली जब भी आप यहां पे पोस्ट पे आइएगा, जब ये ऑप्शन आपको दिखाई दे सी इनसाइट एंड एड्स का, और ये जो है राइट साइड में जो एडवर्टाइज का ऑप्शन है, पहले आप लोगों को बता दूं ये क्या है। ये दोस्तों दरअसल एड्स चलाने के लिए, यानी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए। अगर इस वीडियो को आप जो है एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, यानी प्रचार पे लगाना चाहते हैं, तो आप यहीं से लगा सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, या जो है आप जो है कभी भी वीडियोज वगैरह यहाँ पर देखते हो, यहीं पर आप लोग वीडियोज वगैरह देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी वीडियोज आते हैं जो स्पॉन्सर होते हैं, यानी यहाँ पर लिखा रहेगा जो यहाँ पर दिया है 3 डेज, यहाँ पर स्पॉन्सर होते हैं, यानी उनको जो है पैसे दे के जो है फेसबुक पर चलाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ये मिल गया वीडियोज, यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉन्सर लिखा गया है, यानी इसने जो है इस पे जो पैसे खर्च किए हैं, इसलिए हमारे जो है फेसबुक पर ये जो पोस्ट आई, वरना ये पोस्ट नहीं आती। इसी तरीके से आपकी भी पोस्ट लोगों के पास जाएगी जब आप अपने पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और देख लीजिए क्या है, एक बार समझ लीजिए ताकि भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी आप करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मुझे ये जो है खान सर का पोस्ट है, तो यहाँ पर अगर इस पर एड्स चलाना है तो सी इनसाइड एड्स का ऑप्शन है और एडवर्टाइज का ऑप्शन है, एडवर्टाइज के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। एडवर्टाइज के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी की वीडियो जाएगी, यहाँ पे स्पॉन्सर आ गया, तो मैंने आपको पहले ही दिखाया इस तरीके से लोगों के पास वीडियो जाएगी स्पॉन्सर करके। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर गोल का ऑप्शन है, आपका गोल क्या है, आपको जो है वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज लाने हैं, या यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने देना चाहते हैं, या आपको कॉल आनी है, यानी कॉल जब करेंगे तो आप जो बिजनेस वगैरह का वीडियोज़ है तो नंबर भी डालेंगे, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, जैसे जो मेडिसिन वगैरह जो सेल करते हैं वो लोग कॉल्स करते हैं, कॉल्स का ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर आपको व्यूज से मतलब है तो यहाँ पर व्यूज पर रहने देंगे, यानी व्यूज पर क्लिक कर देंगे, यानी हमको ज़्यादा व्यूज चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांटेज है और क्रिएटिव है, इनमें आप लोग कुछ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी आप लोगों को ये ऑप्शनल है, कोई इसकी जो चूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बटन स्टाइल आप लोग चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको आप चूज ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको ऑडियंस यहाँ पर जरूर चूज करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लोकेशन क्या रहनी चाहिए, लिविंग इन इंडिया, यानी इंडिया में आप अपने वीडियोज़ को चलाना चाहते हैं, और जिसमें से एज कितना रहना चाहिए 18 से लेकर 65 प्लस तक। आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट पर क्लिक करके यहाँ से एज को कम कर सकते हैं इधर, या एज को जो है बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप लोग बढ़ा भी सकते हो। इसके बाद आप लोग यहां पे एज की सारी जो कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जैसे जेंडर में मेल रहना चाहिए या फीमेल रहना चाहिए, यहां पे सारा कुछ आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे सेव ऑडियंस हम कर देंगे। इसके बाद यहां पे आ जाते हैं तो यहां पे पीपल हु फॉलो योर प्रोफाइल, यानी आप किसको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे सभी को दिखाना चाहते हैं या सिर्फ जो आपके प्रोफाइल को फॉलो किया उसी को दिखाना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप जो कभी भी एडवर्टाइजमेंट करें तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है इसी को आप चूज रखें। इसके बाद यहाँ पे टोटल बजट आपका कितना होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से बजट अपना रख सकते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पैसे कितना जो खर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 410 रुपये है, ये जो है डेली का है, जिसमें आप लोगों को वीडियोस व्यू आएंगे 106 से 272 व्यूज लगभग आएंगे, और जो रीच मिलेगी यहाँ पे 509 से 1.5K, यानी 1500 आपको वीडियो पर रीच मिलेगी और व्यूज आएंगे लगभग 106 से 272। ये दोस्तों एस्टिमेटेड है, यानी लगभग करके देता है,
यानी ये 90 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और 410 रुपये जो है कुल मिला के 5 दिन में खर्च होंगे। इसको हम अगर 7 डेज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं 6 हुआ, ए प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, 7 हो गया, 7 डेज हम खर्च करेंगे। अगर जो है यहाँ पे 10 रुपये पर डे करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल हमें जो है 90 रुपये खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे, सॉरी इसको हम जो बढ़ा देते हैं। इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दोस्तों काफ़ी जो महंगा पड़ता है, और यहाँ पे अगर इसको एड्स को जो है इंस्टाग्राम पे भी रन करना है तो यहीं से आप इसको ऑन कर सकते हैं और इसको आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे पेमेंट मेथड है, आप जो है पेमेंट कितना करना चाहते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं अभी अवेलेबल बैलेंस जो हमारा 140 रुपये इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो चाहे हम यहीं से पेमेंट कर सकते हैं, वरना नीचे आप लोगों को बूस्ट पोस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे आपकी पोस्ट दोस्तों बूस्ट हो जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं, अभी ये ऑप्शन हाईलाइट होगा, अभी इसको मैं कम कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बजट हमने कम कर दिया, 1 दिन के लिए अगर हम रन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे टोटल सारा कुछ देखने को मिल जा रहा है, जिसमें मेरा जो है 100 रुपये जो टोटल बजट है और जो टैक्स वगैरह है GST 18 रुपये कुल टोटल मुझे 118 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे। यहाँ पर बूस्ट पोस्ट नाव पर क्लिक कर दूँगा, इसके बाद तुरंत ऐड जो है लग जाएगा, और यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके आप जो पैसे ऐड कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं, यानी फेसबुक में पैसे नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे बाकी सारा कुछ प्रोसेस बता दिया, ये जो इसीलिए शो होता है। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करें।